कहीं ऐसा ना हो कि छुट्टी लेने वाले दिन के बाद मैसेज पहुंचे। ये बढ़िया है। बहुत सारे गणेश जी, बहुत सारे। और ये भैया यहाँ बना रहे। और वेलकम जी, आप सबका स्वागत है आज के इस नए ब्लॉग में। कौन रूम ठोक रहा? कोई रूम ठोक मैं ब्लॉग बना रहा था, कोई रूम ठोक। तो मुद्दा यहाँ पे ये है कि हाई अलर्ट वाला सिचुएशन अभी भी चल रहा है। बारिश सुबह से अभी भी चल रही है, सुबह से नहीं कल सुबह से, ठीक है। लाइट यहाँ की गुल है और जो लाइट आ रही है वोल्टेज सप्लाई बहुत कम है, तो मेरे को अब ये मोबाइल के भरोसे अपना बनाना पड़ रहा है ब्लॉग। और एयरटेल का नेटवर्क यहाँ पे एकदम ठप हो गया, एयरटेल का नेटवर्क चल नहीं रहा। वो बंदा भी अभी आया था, बोला था मैं रिचार्ज कर लूँ क्या? तुम रिचार्ज तो कर लोगे लेकिन हमारे पास भी तो हॉटस्पॉट नहीं है, दिक्कत तो वो है। और मुद्दे की बात यह है, मैंने अपने लीड को लिखा है कि कल भी हाई अलर्ट है तो क्या मैं छुट्टी ले लूँ, लेकिन मैसेज पहुंचा नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि छुट्टी लेने वाले दिन के बाद मैसेज पहुंचे, दिक्कत वो भी चल रहा है। तो बहुत सारे लोचे लफड़े हैं, जानने के लिए बने रहें, हम कुछ ना कुछ बताते रहेंगे। ये तुम्हें करो ये। अभी बज रहे हैं रात के 11:11। तो अब तक का अपडेट ये था कि हमें बिजली और नेटवर्क की समस्या थी, बट अभी करंट अपडेट ये है कि अभी हम पानी का भी समस्या है। बाथरूम में जाने पे पता चला कि भाई पानी ही नहीं है, तो जनरेटर ऑन हुआ है, अब पानी टंकी में चढ़ेगा, उसके बाद बाथरूम में पानी आएगा। पता नहीं आएगा भी कि नहीं आएगा। नहीं आया तो फिर लफड़े तो बड़े बड़े हो जाएंगे। और वॉलपेपर कैसा लगा? बढ़िया है ना? मैडम को जब पहली बार घर लेके गया था तब खींचा गया था ये। कब खींचा गया था ये फोटो बता, कहाँ खींचा गया था? ये मम्मी और मैं दूध लेने जा रहे थे तब का ये, और हमें सनसेट दिखा। हाँ तब खींचा। और गुड मॉर्निंग सबको, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? अपन भी बढ़िया। जाओ जाओ। तो अभी का सीन कुछ ऐसा है, बारिश तो रुक गई है, हाई अलर्ट लेकिन आज भी है, लेकिन बारिश रुक गई है तो ऑफिस जाने को पड़ी। ऐसा तो मेरे को वर्क फ्रॉम होम मिल गया था, लेकिन मैंने अपने लीड को बोल दिया था अगर बारिश रुकी तो मैं ऑफिस में पहुंच जाएगा, बस बाकी को आप समझ जाओ। कोई बात नहीं यार, चलता है। ओए होए, यहाँ तो बारिश अभी भी अटका पड़ा है, मतलब पानी, वो देखो घुस गया वहाँ पे पानी। पानी मार रहा भाई, पानी पैर लुचका दिया मैंने, लग गया मेरे। लग गया मेरे। अच्छा पेड़ भी गिरा हुआ है, यहाँ साफ सफाई चल रही है भाई। पिछले 3 दिनों में तेलंगाना में 100 mm की बारिश हुई है, बेव बंगाल में कुछ प्रेशर पॉइंट बन गया तो उसके चक्कर में ऐसे बारिश हो रही थी, कुछ 90 से 100 के बीच में कुछ ऐसा वो है, नंबर ऑफ ट्रेन जो कैंसिल हुए हैं, बहुत सारे जगह पे फ्लड्स आ गए हैं। चमक तो रही है बेचारी हमारी गाड़ी, बढ़िया। सैटरडे घूमने जाऊंगा बोल के उस चमका कर रखा था मैंने कपड़े मार के, नहीं जा पाया। ये बढ़िया, ये कभी नजर लगा दूंगा इसी को, मेरे राम प्यारी। वहाँ वहाँ नहीं, सब जगह तेज बारिश हो रही है, लाइट यहाँ चली गई, मैडम वहाँ स्प्राइट पी रही है। हम यहाँ पे कुछ खाने पीने आए थे और अब हम यहाँ पे अटक गए हैं, बारिश देखने के अलावा कोई चारा नहीं बच रहा है।
स्विगी वाले भैया रेनकोट, वो रेनकोट, उसको देखो, उसको देखो, रेनकोट प्रो मैक्स। हम मांग लेते दो है बोरे तो हम भी लगा के चले। वो भैया ने यहाँ देख रहे थे तो उन्होंने एकदम से एक्सीलरेट कर दिया, गिरते गिरते बच्चे। इतना सारा भीड़ देख रहे हो, यहाँ देखो गणेश जी की मूर्तियाँ, यहाँ वहाँ भी बहुत सारा है और भी सामान है, तो गणेश चतुर्थी के लिए सब गणेश जी की मूर्तियाँ ले रहे हैं। और थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी तो ये सारी मूर्तियाँ खराब भी हो गई। क्यों? ये देखो फूल माला, अरे हाथ के हिसाब से काट काट के बना रहे, देखा तो ना, अब वहां से कट कर देंगे, डन। देखो अलग अलग टाइप के, अलग अलग साइज के मूर्तियां। भैया केले का पेड़ लेके घूम रहे हैं। क्या क्या सामान बिक रहा है भाई, मेरे को कोई आइडिया ही नहीं है। घर वर में होते तो कुछ ऐसा करते हैं, अकेले रह के करने का मतलब ही नहीं बनता। पिछले साल ना हमने एक छोटा सा मूर्ति लिया था, सुशील के रूम में टिकाया था, याद है तेरे को? उसको रखे थे, हम लोग पूजा भी कर रहे थे, लड्डू वड्डू भी रहे थे, लेकिन यहाँ पे तो अभी खुद की जगह नहीं है बेचारे। तेरे घर में आ रहा है ना वैसे? मेरे घर में आ रहा है। कल लेने जा रहे हैं कि आज ही ले लिया? आज लेने जा रहे थे, कॉल करूंगी तुझे। हमारे यहाँ तो इतना नहीं होता, मतलब ऐसे बैठाने सिस्टम में, हाथ जोड़ने में तो हम हर दिन हाथ जोड़ते, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे गणेश जी, बहुत सारे, पीछे छोड़ के, अच्छा ये भी बना रही है कुछ कुछ। मेरे साथ रह रहे के इन्फ्लुएंसर बन गई, इन्फ्लुएंसर गणेश जी के साथ एक कोलैब हो जाता तो मैं। ये अपनी जा रही है ट्रैफिक वाली गाड़ी। Five minutes later. तो अभी हुआ क्या, मैं तुम लोग को दिखा रहा था ना कि वो टोइंग गाड़ी जो जा रही थी अपनी, तो जा रही थी, तो उसमें आगे हमारे वो ट्रैफिक पुलिस वाले बैठे हुए थे, तो उन्होंने हमें देख लिया, मतलब मेरे को देख लिया रिकॉर्ड करते हुए। उसके बाद भाई 50 मीटर आगे से फिर दौड़ते हुए आया, इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर बोल के, और उसको कलेजा बाहर आ गया कि क्या लफड़ा करते हुए इन्होंने पकड़ लिया, हमारा कलेजा बाहर आ गया, मतलब फट गई कि भाई हमें क्यों पकड़ लिया। फिर उसके बाद बोलता है तुमने हमारा रिकॉर्ड किया ना, दिखाओ दिखाओ, तो मैंने बोला नहीं नहीं मैंने डिलीट कर दिया जब तक वो आया। फिर बोला मैंने कि मैं ब्लॉगर हूँ भाई, तो फिर उसने वीडियो चेक किया, तो हम लोग इधर उधर बात बतियाते हुए रिकॉर्ड कर रहे थे, तो बोलता है नाइस मीटिंग यू। क्विक एक्शन लेना था, नहीं तो मेरा मोबाइल चल देता अभी, पता है वो देख लेता ना कि उसको रिकॉर्ड किया, फट जाती भाई फट जाती। अरे सरकारी आदमी, पुलिस ट्रैफिक वाला जो भी हो, तुम कितना भी लॉ पढ़ लो भाई, ऐसे उंगली कभी मत करना, तुमको वो उंगली करते तो बहुत दिक्कत जाएगी। उनके हिसाब से हमने गलत किया, हमारे हिसाब से उन्होंने भी गलत किया। एक्चुअली उन्होंने थोड़ा तो गलत किया था, जो हम बताएंगे नहीं, समझने वाले समझ जाएंगे। इसलिए उनकी फट गई, वो हमें देख रहे थे, हम बहुत देर से ऑब्जर्व कर रहे थे, कम से कम 15-20 मिनट से, कि वो मचा गया रहे हैं, तो उनकी सच में फट गई। एक्सपीरियंस तुम लोग ऐसा मत करना। ये देखो गणेश जी, क्ले का सारा, क्ले का सामान है, और ये भैया यहाँ बना रहे हैं। हेलो बोल दो भैया, आपका नाम क्या भैया? सुब्रत दास। अच्छा सुब्रत दास, चलो भैया कोई दिक्कत नहीं, अच्छा बना रहे हो बहुत। ये भैया यहाँ पे फूल बेच रहे हैं, मैंने ये फूल खरीद लिया, मैडम ये एक्टिंग कर रही हैं, लीजिए एक्टिंग कंटिन्यू, ये एक्टिंग कंटिन्यू। अरे पता ही नहीं चला ना, अरे मुझे तो लगा गणेश जी के लिए लिया है। हाँ तुम भी हमारे घर का गणेश, मोटा पा तो उतना ही है। तो चलिए फिर ये वाला व्लॉग हम यहाँ पे इसी कहानी के साथ ख़त्म करते हैं। एक्चुअली में हमारे पीजे के आसपास ना बहुत सारे गणेश जी बैठे हैं, तो कल सुबह घूमने निकलेंगे, कल सैटरडे, मतलब बढ़िया सा पूजा वूजा होगा, तब दिखाएंगे बढ़िया, ठीक है? तो नेक्स्ट वाले व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए बने रहें, टाटा। गणेश जी स्थापित कर रहे हैं वहां पे।